नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक समय था जब डरावनी फिल्मों में दर्शकों को डराने के लिए भूत, प्रेत और चुड़ैल आदि का इस्तेमाल होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोग इन भूत प्रेतों से बोर हो गए तो फिल्म मेकरों ने कुछ नया करने की सोची और भूत प्रेतों की जगह वो एक नए पात्र जोम्बी को ले आई। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो आप जोम्बीज के बारे में जरूर जानते होंगे। हालांकि हमारे बॉलीवुड में भी इक्का दुक्का ऐसी फिल्में बनी हैं, लेकिन वे ज्यादा कामयाब नहीं रही। जोम्बीज असल में ऐसे इंसानों को कहा जाता है जिन्हें रेबीज जैसी कोई बीमारी हो चुकी होती है। ये लोग चलती फिरती लाशें बन जाते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि इस बीमारी से इन्फेक्ट हुआ इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को काट ले तो उस दूसरे इंसान को भी ये बीमारी तुरंत हो जाती है और वो भी जोम्बी बन जाता है। जोम्बी बनने के बाद उस इंसान में से सभी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और उसका दिमाग एक खूंखार जानवर जैसा हो जाता है। जोम्बी सिवाय खाने और दूसरे लोगों पर हमला करने के अलावा और कुछ भी सोच समझ नहीं पाता। जोम्बी बने बच्चे अपने माँ बाप को या माँ बाप बने जोम्बी अपने बच्चों को काटने और उन पर हमला करने से भी परहेज नहीं करते। खैर दोस्तों, जोम्बीज के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते ही होंगे। लेकिन एक बात आप शायद नहीं जानते होंगे, वो ये कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप के बीच हेती नामक एक छोटा सा देश है। जोम्बी शब्द सबसे पहले इसी देश से निकला है। माना जाता है कि इस देश में सच में जोम्बी मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ एक तांत्रिक हुआ करता था जो किसी नशीली दवाई के इस्तेमाल से आम लोगों को जोम्बीज में बदल देता था और उन्हें अपना नौकर बनाकर रखता था, उनसे अपने खेतों में काम करवाता था। लेकिन एक दिन उसके बनाए जोम्बीज ने उसी तांत्रिक का काम तमाम कर दिया। चलिए दोस्तों, अब कल्पनाओं की दुनिया में चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब आप इन जोम्बीज वाली फिल्मों को देखते होंगे तो आपके मन में ऐसे विचार जरूर आते होंगे कि अगर फिल्मों में दिखाई गई कल्पनाएं वास्तविकता में बदल जाए और अगर सच में कभी दुनिया में ऐसी गंभीर बीमारी फैल जाए जिससे अधिकांश लोग जोम्बी में बदल जाए, तो आप कैसे उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करेंगे और कैसे अपना बचाव करेंगे। इन हालातों में अपने बचाव के लिए जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो होगी हथियार। आप सोचेंगे कि आपको कोई बंदूक, तलवार या बेसबॉल बैट जैसा कुछ चाहिए जिससे आप उन जोम्बीज का सफाया कर सके। लेकिन अगर इन सभी हथियारों का प्रयोग करने की नौबत आ चुकी है तो आपने बहुत लापरवाही की है और अब यकीनन आपके सामने बहुत ही खराब परिस्थितियां हो चुकी हैं और शायद अब आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे भी बंदूकें और राइफल वगैरह किसी फ्रूट मार्केट में तो मिलती नहीं है जहां से आप दौड़कर इन्हें उठा लेंगे। ध्यान रखिए, हमला करने से ज्यादा अच्छा तरीका बचाव का होता है। इसलिए जब आपको अपने शहर या गांव में इस तरह के किसी वायरस के फैलने की खबर मिले तो हालात बदतर होने से पहले ही उस जगह को छोड़ दें। लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं कि आपके शहर में इंसानों से ज्यादा संख्या जोम्बीज की हो गई है, तो सबसे पहले तो आपको एक बैग में अपने लिए जरूरत का पानी और खाने की कुछ चीजें लेनी होगी और तुरंत उस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी करनी होगी। आप अपने हाथ पैरों और गर्दन पर किताबें या बहुत सारे कपड़े लपेटकर उन्हें टेप या धागों से कस ले, क्योंकि इंसानों के दांतों की लंबाई आधा इंच से भी कम होती है। बाहर निकलने पर अगर आपका सामना किसी जोम्बी से होता है तो ये किताबें उनके दांतों को आपके शरीर में धंसने नहीं देगी। अगर सौभाग्य से आपके पास कोई बंदूक है तो उसे लोड करके अपने पास रख ले। इसके अलावा रसोई घर में से किसी सब्जी काटने वाले चाकू को आप किसी लंबे और मजबूत डंडे के साथ बांधकर अपने साथ ले ले। बंदूक के साथ साथ ये हथियार भी आपके काफी काम आ सकता है। आप अपने साथ एक टॉर्च जरूर याद करके रख ले। अक्सर आजकल हम अपने फोन की फ्लैश लाइट को टॉर्च के जैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टॉर्च साथ लेना भूल जाते हैं। लेकिन एक बड़ी टॉर्च दूर तक फोकस करके रोशनी फेंकती है, इसलिए टॉर्च अंधेरे में देखने के लिए मोबाइल की फ्लैश से कई गुना ज्यादा बेहतर साबित होगी। अब अपने अंदर खूब हिम्मत जगाएं और खुद से कहे कि आज मैं नहीं मर सकता और घर से बाहर निकल जाएं। आपके जितने भी पड़ोसी जो अभी तक नॉर्मल है, जोम्बी नहीं बने हैं, उन सबको अपने साथ ले ले। जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे उतनी ही ज्यादा आपके जिंदा रहने की संभावना होगी। हमेशा और हर हालत में एक दूसरे के साथ ही रहे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत ना करें या शोर शराबा तो कतई ना मचाएं।
अगर फिल्मों में दिखाए अनुसार आप किसी बड़े ट्रक में बैठकर भागने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तो ट्रक के इंजन का शोर ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर सकता है और दूसरा बाहर सड़कों पर बेतरतीब ढंग से गाड़ियां फैली होंगी, सारे हाईवे जाम होंगे जिनमें ट्रक दौड़ाने की जगह आपको नहीं मिलेगी। इससे बेहतर है कि आप साइकिल से सफ़र करें। साइकिल की सवारी शांत तो होगी ही, साथ ही साथ आप तंग गलियों, पेड़ों या बंद पड़ी गाड़ियों के बीच में से आसानी से निकल सकते हैं। घर से बाहर निकलकर आप देखें कि आपके आसपास शॉपिंग मॉल किस तरफ है और भूलकर भी उस तरफ ना जाएं। हालांकि फिल्मों में पता नहीं क्यों लोग अपने बचाव के लिए शॉपिंग मॉल को ही ठिकाना बनाते हैं, जबकि ऐसी जगहें जहां लोगों की अधिक भीड़ हो ज़ॉम्बीज के शिकार करने का आदर्श स्थान होगा। भीड़ वाली जगहों पर किसी भी प्रकार का संक्रमण भी ज्यादा तेजी से फैलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉल्स के अंदर एंट्री करने के लिए दर्जनों दरवाजे भी होते हैं, आप हर दरवाजे पर निगाह नहीं रख सकते, ज़ॉम्बी कहीं से भी अंदर आ सकते हैं। वैसे भी जहां पहले इंसान ज्यादा होते थे, जाहिर है अब वहां ज़ॉम्बीज भी ज्यादा होंगे, इसलिए आप भीड़ वाली जगहों से दूर ही रहें। ऐसे में अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि घर से निकलकर आप आखिर कहाँ छुपेंगे और कौन सी जगह आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तो चलिए कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी जान लेते हैं जो इन खतरनाक हालातों में भी आपके लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। बैंक। बैंक हर एक छोटे बड़े शहर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। बैंक में एंट्री करने के लिए एक ही रास्ता होता है, जिसपे सुरक्षा के लिए एक से अधिक दरवाजे लगे हुए होते हैं। ये दरवाजे आमतौर पर लोहे के और काफ़ी मजबूत होते हैं। जिस जगह पर कैश रखा हुआ होता है वहाँ अलग से और भी ज़्यादा भारी दरवाज़ा लगाया जाता है। बैंकों में आपको कुछ बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी भी मिल जाएंगे। अगर आपके अपने शहर के बैंक के लोग खुशकिस्मती से अब तक ज़ॉम्बी में नहीं बदले हैं तो आप तुरंत बैंक का दरवाज़ा खटखटाकर खुद को अंदर लिए जाने की गुहार लगाएं। ब्रिज। अगर आपके आसपास कोई नदी है जिस पर पुल बना हुआ है और आप एक साथ बहुत सारे लोग हैं तो आप उस ब्रिज को अपना ठिकाना बना सकते हैं। आप हथौड़ों या जेसीबी जैसी किसी मशीन का इस्तेमाल करके उस पुल के दोनों सिरों को तोड़ दें, जिससे ज़ॉम्बी आपके पास नहीं आ सकेंगे। आप खुद मौका पाकर किसी सीढ़ी या रस्सी का उपयोग करके उस पुल से शहर की तरफ आ जा सकते हैं। फार्म हाउस। अगर शहर से दूर ऐसी जगह है जहां पर लोगों की भीड़ कम है, आप किसी फार्म हाउस को तलाश पाते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन ठिकाना बन सकता है। इससे ना सिर्फ आप ज़ॉम्बी से दूर रह सकते हैं बल्कि उस फार्म हाउस में अपने लिए सब्जियां वगैरह उगाकर अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। समुद्री जहाज। अगर आप समुद्रों के आसपास रहते हैं तो समुद्री जहाज से बढ़िया कुछ नहीं है। आप तुरंत समुद्र की तरफ दौड़ लगाएं, निश्चित ही वहां कोई ना कोई जहाज या नौका आपको मदद के लिए मिल सकता है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि उस जहाज में पहले से ही कोई ज़ॉम्बी मौजूद ना हो। आप जहाज से कुछ किलोमीटर दूरी का सफर तय करके अंदर समुद्र में चले जाएं, जिससे ज़ॉम्बीज का आप तक पहुँच पाना असंभव हो जाएगा। ऊंचे पर्वत। अगर आप पर्वतीय इलाकों में रहते हैं तो आप किसी ऊंचे पहाड़ पर रहने के लिए चले जाएं। पहाड़ों की चढ़ाई काफ़ी कठिन होती है और इन पर चढ़ने के लिए कुछ एक रास्ते और पगडंडियां ही होती हैं, और वो भी काफ़ी तंग होती हैं। आप पर्वत पर चढ़कर इन पगडंडियों को आसानी से बंद कर सकते हैं। मिलिट्री बेस। दुनिया भर में अनेकों मिलिट्री बेस, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर या मिलिट्री हथियार रखने के लिए सुरक्षित जगहें मौजूद हैं। अगर आप किसी मिलिट्री बेस तक पहुंच पाते हैं तो समझो आपकी जान बच गई। मिलिट्री बेस काफ़ी बड़े होते हैं, जहां पर आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद होंगी। वहां आपको बेहतरीन हथियारों के साथ ट्रेंड फौजी भाई भी मिलेंगे, जो अपनी तरफ आते किसी भी ज़ॉम्बीज के झुंड को नेस्तोनाबूद कर सकते हैं। प्राचीन किले। राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए प्राचीन किले भी आपके छुपने का एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये तमाम किले राजाओं ने दुश्मन सेना के हमले के दौरान अपने बचाव के हिसाब से डिजाइन किए थे। किलों की दीवारें बहुत ऊंची होती है, जिनके चारों तरफ खाई भी खुदी हुई होती है। दरवाजे भी बहुत बड़े और भारी भरकम होते हैं। आप अंदर से किले के बाहर चारों तरफ नजर रख सकते हैं और बाहर से इतनी ऊंची दीवारों या मजबूत दरवाजों को तोड़ना ज़ॉम्बीज के लिए बहुत मुश्किल चुनौती होगी। ये किले कई एकड़ जमीन में फैले होते हैं, एक किले में एक पूरे शहर के निवासी आसानी से रह सकते हैं। जेल। जी हाँ, मिलिट्री बेस की तरह ही जेल भी अपने बचाव के लिए एक बेहतरीन जगह साबित होगी। अगर आपके आसपास कोई जेल है
तो आप तुरंत वहां चले जाएं और जेल के सुरक्षा कर्मियों से मदद मांगें। जेल की दीवारों को फांदकर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आना जाना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए जोम्बी की जेल में एंट्री नहीं हो पाएगी और वहां सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ बंदूकें आदि भी हथियार के रूप में आपको मिल जाएगी। आइलैंड जोम्बीज के खौफ से खुद को दूर करने के लिए सबसे बेहतर, स्थायी और कारगर तरीका है कि आप समुद्र के बीच में बने किसी टापू पर जा बसें। आज भी दुनिया भर में कई ऐसे टापू हैं जिन्हें इंसानों ने छुआ तक नहीं है, लेकिन वहां जाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आप किसी हेलीकॉप्टर, बोट या समुद्री जहाज की व्यवस्था कर पाएं। दुनिया से अलग थलग पड़े एक टापू पर आप नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। वहां आप आसानी से अपने लिए खाने और पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं, क्योंकि जोम्बीज एक चलती फिरती लाश होते हैं और उनका दिमाग सिर्फ खाने और काटने के अलावा कुछ नहीं सोच पाता, इसलिए किसी शिप या हेलीकॉप्टर को चलाकर उनका आप तक पहुंचना असंभव होगा और उस टापू पर आप और आपके साथ के दूसरे इंसान मिलकर एक नई दुनिया बसा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपके हिसाब से जोम्बी से बचने के लिए कौन सा ठिकाना अच्छा रहेगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।